कम बैक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई म्यूचुअल फंड. राइट, देखो हमने पहले आपके साथ बात की, सीखा कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, सो दैट इज़ द बिग डिस्ट्रॉयर ऑफ द वेल्थ. हमने आपके बाद बात की कि एफडी में 5% 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलती है, एंड 5-6% तो इन्फ्लेशन भी नहीं है. इन्फ्लेशन भी देखोगे तो वो भी 6% 7% होता है. तो बेसिकली एफडी में इन्वेस्ट करने पर आपकी परचेजिंग पावर जो है वो लूज़ करती है. गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो आपको हो सकता है कि 8-11% 10% का रिटर्न मिल जाए, राइट, बट इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है. इसके बाद रियल एस्टेट नेक्स्ट ऑप्शन. अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आजकल तो स्कोप बहुत कम है. हाँ, अगर आप बहुत बहुत एक्सपर्ट हो रियल एस्टेट के तो ही आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर कि वैल्यू कम हो और आने वाले समय में इंक्रीज हो पाए. अदरवाइज जनरली आजकल तो मुश्किल है, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक मार्केट. तो ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में जो कि बाकी जगह पर नहीं है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तो डोंट नो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है. देखो स्टॉक मार्केट बेसिकली बनता कैसे है. स्टॉक मार्केट जब भी हम बोलते हैं ना तो उसमें दो तरह की एक्सचेंज होती हैं. वन इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड इज BSE. मतलब जो बहुत बड़ी एक्सचेंज हैं वो दो ही हैं, एक NSE है, BSE है. NSE ने अपना एक इंडेक्स मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं निफ्टी 50. इंडेक्स क्या है मैं बताऊंगा. BSE ने भी एक लॉन्च किया हुआ, डेट इज सेंसेक्स. सेंसेक्स थोड़ा सा पुराना है और निफ्टी 50 थोड़ा सा नया है, राइट. सो जब भी सेंसेक्स बोलते हैं तो बोलते हैं BSE सेंसेक्स, निफ्टी बोलते हैं NSE निफ्टी. अब निफ्टी 50 में यानी कि NSE ने 50 कंपनीज बताई हुई हैं कि ये जो 50 कंपनीज है ना, ये 50 कंपनीज पूरी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट. इनमें से 50 कंपनीज कौन कौन सी हैं? आपने एक 70-30 रूल हमेशा लाइफ में देखा होगा, सुना होगा. 70-30 क्या होता है कि सिर्फ 30% प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो 70% होती है, बाकी सभी के सभी 70% प्रोडक्ट की वैल्यू 30% होती है. एंड वी हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन द 30% प्रोडक्ट विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 70%, राइट. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर 50 कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के 70% से ज़्यादा हिस्से को डिनोट करती हैं. नाम आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी 50 का पार्ट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी 50 का पार्ट. एच डी एफ सी बैंक निफ्टी 50 का पार्ट. HDFC निफ्टी 50 का पार्ट. आई टी सी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट. इसके अलावा HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी 50 का पार्ट. रिलायंस की अगर हम अकेले की बात करें तो इसकी मार्केट कैप जो है वो 15 लाख करोड़ से प्लस है, ज़्यादा है. TCS की बात करें, TCS अपने आप में इसकी मार्केट कैप मतलब शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है 15 लाख करोड़ के आसपास है, राइट. रिलायंस में TCS में हमेशा दौड़ लगी रहती है कि कौन वैल्यू जो है ज़्यादा मार्केट में शो करता है, राइट. एंड सो ऑन. तो ऐसी कितनी कंपनीज बताई गई हैं? कुल 50, राइट. इन 50 टॉप कंपनीज को मिलाकर क्या बना है? निफ्टी 50s. आप कहोगे नहीं सर, हमें तो आप गूगल पे बताएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा. डेफिनेटली बताएंगे. निफ्टी 50 कंपोनेंट्स. राइट. तो क्या ये निफ्टी 50 कंपनीज जितनी भी अभी आपको शो हो रही हैं, क्या ये हमेशा हमेशा यही रहती हैं? नो, टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है. देखिए हम आपका निफ्टी 50 की 50 कंपनीज आ गई हैं. बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति,
हिरोमोटो कोप, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, हिंडाल्को, टीसीएस, ब्रिटानिया एंड सो ऑन, आप अपने आप से पढ़ते रहना, राइट। तो ये 50 कंपनीज हैं, ये 50 कंपनीज की अगर हम मार्केट कैप को टोटल कर देंगे ना, देन यू विल फाइंड आउट द मार्केट कैप ऑफ द होल इंडिया, मतलब इंडिया की टोटल मार्केट कैप को। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है लाइक जब हम बोलते हैं मार्केट कैप, दिस मीन्स नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप, राइट। सो नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मान लो रिलायंस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं 100 करोड़, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, राइट। और मार्केट प्राइस चल रहा है 2000 का, राइट। तो अब हम कहेंगे कि मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस कंपनी इज 2 लाख, 2 लाख सीआर मार्केट कैप, राइट। अगर ये 100 नहीं है, लेट अस से ये 500 है, सो मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस कंपनी विल बी 10 लाख करोड़। तो इस तरह से मार्केट कैप फाइंड करते हैं। सो ये 50 कंपनीज जो अभी कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी हैं, इन 50 कंपनीज की मार्केट कैप का जब हम टोटल करेंगे तो पूरी इंडिया की मार्केट कैप का 70-80% आता है, मतलब बाकी सब कंपनीज जो है वो 10-20% में चली जाती हैं। तो वी हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन दिस निफ्टी 50 कंपनीज, राइट। और टाइम टू टाइम सिक्योर एनएससी बीएससी जो है अपने कंपोनेंट्स को, मतलब इन कंपनीज को चेंज करता रहता है, जब देखता है कि ये कंपनी परफॉर्म कम कर रही है और कोई दूसरी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक कंपनी जाती है, दूसरी कंपनी आती है एंड सो ऑन, राइट। अभी फिलहाल ये वाली कंपनीज हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो निफ्टी 50 को ही हम लोग मार्केट बोलते हैं, राइट। ऐसे ही जैसे कि एनएससी के अंदर निफ्टी 50 कंपनीज हैं, बीएससी के अंदर कितनी कंपनीज हैं आपको मैंने बताया नहीं बताया, बीएससी के अंदर सेंसेक्स के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं 30, राइट। एंड मोर और लेस इसी 50 में से 30 कंपनीज यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर हैं, राइट। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो भी 60-70% ऑफ द होल ऑफ द इंडिया के बराबर है, राइट। सो व्हेन वी आर सेइंग मार्केट, सो बेसिकली जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, राइट। और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स का जो है एक अपनी एक वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो है डिपेंड करती है इन 50 कंपनीज के टोटल मार्केट कैप के ऊपर। मान लो टोटल मार्केट कैप ऑफ द 50 कंपनीज जो है आज हो गया है, लेट अस से ऐसे ही एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं बोल रहा हूँ, मान लो आज के डेट में हो गया है 2000 लाख करोड़, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, राइट। अगले दिन हो गया है लेट अस से 2100 लाख करोड़। तो क्योंकि ये वैल्यू टोटल मार्केट का बढ़ जाता है, तो इसलिए निफ्टी की वैल्यू भी इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका रीज़न ये है कि हमारा निफ्टी 50 का एक चार्ट है जो कि आपके पास आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल है, राइट। तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 के आप चार्ट को देखिए एंड यू विल फाइंड आउट कि निफ्टी 50 की जो वैल्यू है, निफ्टी 50 के चार्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है, राइट। मैंने ये ऑल टाइम का निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। निफ्टी 50 का सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दैट इज़ 1st November 1995। आप नीचे की तरफ डेट देख सकते हैं, दिस इज़ 1st November 1995, और यहाँ पर जो है 880 यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप जो है इसकी वैल्यू देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप जो है डेट देख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद 1995 के बाद ये जो है इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ डिक्रीज़, इंक्रीज़ डिक्रीज़ एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ये इस तरह से चलते 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 जो वैल्यू पहले 8
800 समथिंग की थी, वो वैल्यू आज के टाइम में आ गई है, दैट इज 17,617. 1996 में जो वैल्यू, मोटा मोटा मैं 1,000 ले लेता हूँ, तो 1,000 की जो वैल्यू 1996 में थी, अब वो वैल्यू आज के डेट में आ गई है बेसिकली 17,617. तो हजार जो है वो 17,600 कुछ हो गया है, तो कितने गुना? 17-18 गुना, राइट. अब ये जो 17-18 गुना हो गया है वो कितने ईयर्स में हो गया है? अब ये देखिए, यू विल फाइंड आउट. 1996 मोटा मोटा 1,000, एंड 2021 मोटा मोटा, चलो 22 मोटा मोटा 17,600, राइट. और यू कैन से 17.6 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स? तो ये हो गया 4 ईयर्स, तो 2000 वाले हो गए, और ये 26 ईयर्स. अब इस 26 ईयर्स में ये 17.5 गुना, यानी कि 18 गुना के आसपास ये निफ्टी की वैल्यू हो गई है. तो क्या कोई और एसेट क्लास इतने गुना पैसा कर पाया है? इफ द आंसर इज येस, देन वी हैव टू गो टू दैट इंस्ट्रूमेंट. इफ द आंसर इज नो, देन वी हैव टू गो टू द मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है निफ्टी के अंदर? देखिए सर, इंडिया इज एन, इसी चार्ट को एक दूसरे फॉर्मेट में एक सिंगल लेके आ रहा हूँ, 2002 से ये हमारा चार्ट है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा चार्ट आ नहीं पाता, इसी रीजन से ये यहाँ तक चार्ट दिख रहा है. होता क्या है, देखो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर बहुत कुछ होगा, कांग्रेस भी आई होगी, बीजेपी भी आई होगी, और इसके अलावा अकाल भी आया होगा, बाढ़ भी आई होगी, है ना, गुजरात के राइट्स भी हुए होंगे. उसके अलावा इसी पीरियड के अंदर, इसी समय के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के आमने सामने भी हुई होंगी, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई भी हुई होगी, एंड सो ऑन. उसके बावजूद भी ये जो मार्केट है वो लगातार ऊपर जाता जा रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है. तो ये जो ऐसा क्या है, रीज़न इज ओनली वन, दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और जो भी डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलप हो रही है तो उस कंपनी के बिजनेस को तो बढ़ना ही बढ़ना है. वेरी सिंपल, आई रिपीट अगेन, इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो बिजनेस होंगे वो तो बढ़ते ही रहेंगे. अगर बिजनेस बढ़ते रहेंगे तो इंडिया के मार्केट कैप यानी कि निफ्टी को भी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. और जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी इन्हीं कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जब ये कंपनीज इंक्रीज होती हैं, वैल्यू इंक्रीज होती है, बिजनेस इंक्रीज होता है, तो हमारे पैसे भी बढ़ते जाते हैं, राइट. सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इंडिया के डेवलपिंग का, ये लगातार, आप सोचिए ना, जब आप छोटे होते थे तो आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था? क्या इतनी डेवलप सड़कें होती थी, या इतने डेवलप जो है रोड्स हो गया एंड फ्लाईओवर्स हो गया, या छोड़ो ना, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, आपके जो कनेक्टिंग थिंग्स हो गए, यानी कि पहले जो फ़ोन कॉल करते थे उसका उसका जो कॉल का रेट था वो क्या था, और आज के डेट में कॉल फ्री हो रहे हैं. अब हम डेटा को, हम डेटा बोलते हैं कि डेटा के बेसिस पर टेलीकॉम सेक्टर आगे चल रहा है, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, रिलायंस मुकेश अंबानी जी बोलते हैं, राइट. मतलब ये आज है, पर इससे पहले आप पीछे अपने आप को देखो, 10 साल पहले आसपास का एनवायरनमेंट क्या था, और अब आप ये सोचो आने वाले 10 साल के बाद एनवायरनमेंट क्या होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मार्केट में बहुत रफ्तार से काम कर रही है, 5G बहुत रफ्तार से काम कर रहा है, रोड, ये बात की जा रही है कि जो कार होंगी वो ड्राइवर लेस होंगी, ये बात की जा रही है कि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास चलेगा. तो मार्केट के अंदर बिजनेस ग्रो होंगे, जब बिजनेस ग्रो होंगे तो निफ्टी की 50 कंपनीज भी ग्रो होंगी,
राइट right. और इसी बेसिस पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारी रिटर्न टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी। किसी एक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर 2016-17 में एक्सिस इक्विटी फंड के बारे में बात की थी, आज भी वही बात कर रहा हूँ, एक्सिस इक्विटी फंड। राइट देखो 2016 में ये कहां पर एनएवी थी, दिस वाज 45 दिस वाज 39 इन 2016 33 समथिंग, और आज के डेट में इट हैज एनएवी ऑफ 72, डबल ट्रिपल डबल बेसिकली, है ना, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फंड, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा रिकमेंडेड फंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि फंड्स जो हैं बेसिकली निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जब निफ्टी 50 की कंपनीज इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली ये फंड्स भी इंक्रीज होंगे। तो कोई भी फंड उठा लो, मतलब अगर आपने सिलेक्शन किया है अच्छा, तो वो जो फंड होगा वो आपको कमा के देगा देगा, मींस आपको बेनिफिट हुआ ही होगा, राइट। पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, अगेन द सेम थिंग कि इफ यू थिंक दैट इंडिया विल डिवेलप इन फ्यूचर, देन बिजनेस ऑफ द इंडिया विल बी डिवेलप्ड इन फ्यूचर एंड योर म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू द गुड पॉजिटिव रिटर्न फॉर द फ्यूचर, राइट। एज पर द पास्ट, अगर हम पास्ट को देखें तो म्यूचुअल फंड जो है, स्टॉक मार्केट जो है, ऑन एन एवरेज, मतलब एक जो सबसे हल्का म्यूचुअल फंड अगर आपने सेलेक्ट किया है जो कि अच्छा नहीं है, तो वो फंड आपको 12-15% रिटर्न कमा के देता है पर एनम, राइट। और ये 10% और 15% में कितना फर्क करता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, समझिएगा सुनिएगा। एक हमने कैलकुलेटर निकाला हुआ है, इसको हम लोग SIP कैलकुलेटर बोलते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग जो है एक साथ कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, स्मॉल थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेट अस अज्यूम, राइट। और आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस से वेरी सिंपल छोटा सा अमाउंट लेके चलते हैं 5,000 रुपये का, राइट। जितने भी आपकी पॉकेट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, 500 कीजिए, 1,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, 50,000 कीजिए, जो भी पॉकेट के अकॉर्डिंग अलाउ करे वो कीजिए, बट एक एग्जांपल के लिए 5,000 रुपये का, राइट। और अगर ये 5,000 का अमाउंट आप 20 सालों के लिए 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, याद रखिए वेल्थ हमेशा हमेशा लंबे समय में बनेगी। वॉरेन बफर जी की भी जो वेल्थ है वो छोटे समय में नहीं बनी है, दैट इज ऑलवेज इन अ बिगर टाइम फ्रेम, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको 20 साल 25 साल 30 साल लेके चलता हूँ, लेट अस से 25 ईयर्स, राइट। ये सिर्फ कैलकुलेटर आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मान लेते हैं कि गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर आपको 9% का रिटर्न मिल जाता है, तो 9% का रिटर्न 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल के लिए, तो आपने 15,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपको मिल जाता है 56,47,652 रुपीज़, राइट। आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, आई डोंट नो, राइट। बट सपोज करो कि स्टॉक मार्केट अगर पिछले पास्ट ईयर के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें कि पास्ट ईयर में अगर 15% देती आई है, और मान के चलें कि अगले 25 साल भी 15% रिटर्न देती आएगी, एज्यूम दैट, राइट, सेम 5,000 रुपीज़, 25 ईयर्स सेम एंड एवरीथिंग इज सेम, तो इस केस में ये जो अमाउंट है आपका वो हो जाता है, आप आइडेंटिफाई कीजिए कितना है ये, 1,00,00,000
64,20,369। सोचो कितना फर्क था 9% एंड 15% में। आप कहोगे सर क्या वाकई में इतना पैसा हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव द पैशन, यू हैव द विजन, यू हैव द गोल इन योर माइंड, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30-40% रिटर्न आया म्यूचुअल फंड का, आपने विड्रॉ किया और हो गया बात खत्म। नहीं, वॉरेन बफेट साहब भी जो रिच हुए हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट में मतलब 60 के बाद ही रिच हुए हैं, राइट। अगर आप इसी पैसों को 25 साल नहीं बल्कि 5,000 रुपये का अमाउंट जो है वो 35 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 35 साल के लिए, तो यही वो पैसे, यही पैसा जो है आपका 3,50,49,103 हो जाता है, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, राइट। सो वट हेयर आई मीन टू से, मेरा आपको सिर्फ कहने का मतलब ये है कि 6% की FD 5,000 रुपये के महीने के हिसाब से और 9-10% का एवरेज गोल्ड और 15% में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सो अगर आप मार्केट के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन्स अगर आप मार्केट के रिस्क को लेने की कैपेसिटी रखते हैं, देन यू मस्ट हैव टू गो विद द स्टॉक मार्केट। यू मस्ट नो कि भैया मार्केट में रिस्क है क्या। मार्केट में रिस्क है कि अगर पूरी मार्केट डाउन जाएगी, पूरा बिजनेस इकोनॉमी डाउन जाएगी, कोरोना आएगा या एक्स वाई जेड कोई भी रीजन के कारण से इकोनॉमी डाउन जाएगी तो ये पैसा माइनस में हो जाएगा। बट ये ही वो समय होता है जहां पर कि आप SIP के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें और एक बड़ा अमाउंट फॉर्म कर पाए, राइट। सो दिस इज द रीजन वाई यू शुड हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज द रीजन कि स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न लेने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसके लिए हमने एक SIP का वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर जरूर देखें कि लमसम कब इन्वेस्ट करना चाहिए और SIP कब करना चाहिए, राइट।